वी आर डूइंग अ सीरीज ऑन इंटरोसेप्टिव सिस्टम. दिस इज पार्ट थर्ड, जिसपे हम बात करेंगे कि वेगस नर्व क्या होता है, वेगल टोन क्या होता है, हाउ वी कैन इम्प्रूव अवर वेगस नर्व, और पॉली वेगल थ्योरी क्या होता है. सो दिस इज गोइंग टू बी इन दिस वीडियो. हाई, मेरा नाम ऋचा जैन है. वेलकम बैक टू आवर चैनल किड्स डेवलपमेंटल एक्टिविटीज. सो मैं बड़ी नई नई कॉन्सेप्ट और नई नई चीजों पर बात कर रही हूँ, जस्ट बिकॉज जितना चीजों को समझेंगे उतना बेहतर हम बच्चों के साथ काम कर पाएंगे, उनकी डेवलपमेंट में काम कर पाएंगे. तो वो चीजें जानना बहुत जरूरी है. तो इंटरोसेप्शन के बारे में हमने जाना, इंटरोसेप्शन में कैसे वेगल टोन, वेगस नर्व पार्टिसिपेट करती है, कैसे उसका इफेक्ट रहता है ऑन इंटरोसेप्टिव सिस्टम, ऑन इम्यूनिटी, ऑन गट हेल्थ, उसके बारे में ऊपर ऊपर से हमने जाना. तो अब हम बात करेंगे ये होता क्या है, और पॉलीवेगल थ्योरी, दिस इज अ होल न्यू थ्योरी जिसके बारे में मैंने तो नहीं सुना, और बहुत सारे पेरेंट्स को इसके बारे में आई थिंक नहीं पता है. सो दिस इज अ वेरी इजी एक्सरसाइजेस जिससे हम अपने इम्यूनिटी को रीबैलेंस कर सकते हैं, रिस्टोर कर सकते हैं, गट हेल्थ को रिस्टोर कर सकते हैं, स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी को जो है हम लोग उससे कोप अप करने में हेल्प आउट हो सकता है इसमें. एंड देयर मल्टी लेवल बेनिफिट्स ऑफ दिस पॉलीवेगल थ्योरी. ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे पॉलीवेगल थ्योरी इज अबाउट वेगस नर्व. अब ये वेगस नर्व क्या होती है, इट्स अ नर्व, नर्व मतलब नस. ठीक है, हिंदी में हम लोग नस बोलते हैं. तो नर्व, एंड दिस इज द ओनली नर्व जो ब्रेन से स्टार्ट होती है, हमारे गट स्टमक एरिया में जाती है और नीचे कॉलन तक इसकी पहुंच है. तो दिस इज द होल लॉन्ग नर्व, एंड दिस इज द ओनली नर्व जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल वॉल को भी टच करती है. तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट नर्व, क्योंकि ये हर ऑर्गन को टच कर रही है और हर ऑर्गन को इफेक्ट करेगी, हर ऑर्गन की वर्किंग को इफेक्ट करेगी. तो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया वेगस नर्व ब्रेन से लेकर कॉलन तक है, टच इज एवरी ऑर्गन, और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल वॉल को टच करती है. तो गट हेल्थ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि अगर मैं बात करूं बहुत सारे बच्चों को गट से रिलेटेड इश्यूज रहते हैं, तो उसको भी हेल्प आउट करने में हम लोग इससे वेगस नर्व से हेल्प आउट कर सकते हैं. तो स्ट्रेस, एंग्जाइटी, कंसंट्रेशन, बच्चों की उनका जो गट हेल्थ है, गट ब्रेन कनेक्शन है, उस पर हम लोग वेगस नर्व के थ्रू काम कर सकते हैं. स्ट्रेस पे, सेरोटोनियम लेवल पे, और मूड पे, इमोशन कंट्रोल पे, सेल्फ रेगुलेशन पे, इन सब चीजों से पे हम लोग काम कर सकते हैं पॉलीवेगल थ्योरी के थ्रू, वेगस नर्व के थ्रू. ऑलराइट, अब पॉलीवेगल थ्योरी जो है थ्री स्टेट्स में काम करता है. थ्री स्टेट्स में कि हाउ यू आर फीलिंग, हम लोग उस चीज को अच्छे से नोटिस कर पाए हम कैसा फील कर रहे हैं एट अ प्रेजेंट मोमेंट. ठीक है, अब फीलिंग मैंने अभी दिस इज नाउ इट कम्स टू इंटरोसेप्टिव सिस्टम. इंटरोसेप्टिव सिस्टम में हमने क्या बात की थी कि फीलिंग्स एंड सेंसेशन इनसाइड द बॉडी. कि इंटरोसेप्शन क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर क्या फील कर रहे हैं, क्या सेंसेशंस हो रही हैं, उसको अच्छे से फील कर रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग हम लोग एक्शन ले पाए. तो दैट इज इंटरोसेप्टिव सिस्टम. और पॉलीवेगल में हमने क्या करना है कि वो भी आपको नोटिस करवाती है कि व्हाट आर यू फीलिंग. फीलिंग में आप सेफ फील कर रहे हो, सेफ, यू आर सेफ, सेफ एनवायरमेंट में, तो यू आर वेरी रिलैक्स्ड, काम, हैप्पी, आप कैसा फील कर रहे हैं. द सेकेंड इज फ्लाइट एंड फाइट, कि आपको फ्लाइट एंड फाइट मतलब एकदम से एंगर, मतलब क्या हो रहा है, दैट यू फील. या फिर आपको शट डाउन, इमोशनल शट डाउन की लेवल आ रहा है, इतना स्ट्रेस और इतना एंग्जाइटी और इतना डिप्रेशन हो गया कि यू आर शटिंग डाउन. तो ये तीन स्टेट्स को फील करना, उसको अंडरस्टैंड करना और उसके अकॉर्डिंग एक्शन ले पाना इज अबाउट दिस पॉलीवेगल थ्योरी. तो आपने देखा यहाँ पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंटरकनेक्शन है इन पॉलीवेगल थ्योरी एंड इंटरोसेप्शन. मतलब दिस इज ऑल अबाउट फीलिंग योर इनसाइड बॉडी, कि अंदर क्या हैपन हो रहा है उसको फील करना, सेंसेशंस को, और उसके अकॉर्डिंग एक्शन लेना. तो पॉलीवेगल थ्योरी इज अबाउट वेगस नर्व. वेगस नर्व को हम लोग एक्टिवेट करते हैं, वेगल टोन को इम्प्रूव करते हैं, जिससे जो ब्रेन तक मैसेजेस हैं वो क्लियर पहुंच पाए और ब्रेन अच्छे से उसको इंफॉर्मेशन को जो है प्रोसेस करके आप
आपको एक आइडिया दे पाए व्हाट यू नीड टू परफॉर्म, कि आपको पेन फील हो रहा है, आपको हंगर फील हो रही है, तो वो चीज आपको सही से इंफॉर्मेशन दे पाए। तो वेगस नर्व, वेगस नर्व इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब हमने अच्छे से समझा है इस बारे में, अब बात आती है वेगल, वेगस नर्व में अगर इश्यूज हैं तो हम लोगों को कैसे उसको मैनेज करना है, ठीक है। तो दिस इज अबाउट पॉलीवेगल एक्सरसाइजेस। तो पॉलीवेगल एक्सरसाइजेस की वेगस नर्व को स्ट्रॉन्ग करना और उसमें जो भी इश्यूज हैं उनको रिमूव करना। सो अब हम बात करेंगे कौन कौन सी एक्सरसाइजेस हैं जो हम परफॉर्म कर सकते हैं टू इम्प्रूव दिस वेगस नर्व, ठीक है, टू मेक इट स्ट्रॉन्गर एंड इसका जो कम्युनिकेशन है वो अच्छा रहे वेगस नर्व के थ्रू। तो सब नंबर वन एक्सरसाइजेस हमिंग, हमिंग गुनगुनाना या अंदर वाइब्रेशन को फील करना, ठीक है, बिकॉज जो वेगस नर्व है वो वोकल कॉर्ड से भी कनेक्टेड है। तो हमिंग बहुत अच्छी एक्टिविटी एक्सरसाइज रहती है वेगस नर्व को एक्टिवेट करने के लिए। तो हमिंग में हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, वन सुपर्ब एक्टिविटी इज ओम चैंटिंग, ओम तो आप देखेंगे जितना लंबा ओम होगा माउथ क्लोज करके की साउंड आप प्रोड्यूस करेंगे, आप फील कर पाएंगे उन वाइब्रेशंस को। इनिशियली बच्चे इसको नहीं कर पाते हैं, यहां तक वाइब्रेशन आएगी, फिर थोड़ा सा लंबा, फिर थोड़ा सा लंबा, वाओ कैसे करना है हम लोगों को, वाओ कृष्ण देखे किसका ज्यादा लंबा होएगा। आपने रेस लगानी है बच्चे के साथ, यू हैव टू मेक इट अ गेम। उनको नहीं पता इसका क्या बेनिफिट है, यू नो इट, आपको उसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, यू जस्ट हैव टू प्ले द गेम। अब कृष्ण पहले ना ओम ओम बड़ा मुश्किल से बोलता था, अब वो रेस लगाते हैं मेरे साथ कि मैं मम्मी से लंबा करूंगा, तो क्या होता है, कृष्ण यहाँ पे बटरफ्लाई आई, यहाँ पे गुदगुदी हुई ना हुई ना हुई ना, लेट्स फील इट। उनको वो एक्सप्लेन भी करना है कि यस यहाँ पर वाइब्रेशन फील करो, जब वो उसको सेंस करना स्टार्ट करेंगे तो उनका वेगस नर्व एक्टिवेट होगा और ओवरऑल उनका इंटेरोसेप्टिव सिस्टम एक्टिवेट होगा और उनको सेंसेशंस फीलिंग्स आना शुरू होगा, और जब फीलिंग्स आएंगी वो उसको सेंसेशंस को कि उनकी बॉडी के अंदर वाइब्रेशन हो रही है उसको सेंस कर पाएंगे, तो इंटेरोसेप्टिव सिस्टम प्रॉपर होगा। तो वन इज ओम चैंटिंग, द अदर वन इज अगर ओम नहीं कर रहे तो एक योगा में आता है भ्रामरी, बट भ्रामरी बच्चे नहीं करते हैं मान लीजिए, तो आपने सिर्फ उसको ऐसे करना है आईज क्लोज मेक इट इंटरेस्टिंग मेक इट फन, ठीक है। तो दिस इज हमिंग, हमिंग आपने कराना है तो वोकल कॉर्ड से कनेक्टेड है तो वो वाइब्रेशन फील होगा। द सेकेंड एक्टिविटी, दिस इज फर्स्ट हमिंग, द नंबर सेकेंड एक्सरसाइज इज ब्रीदिंग, ब्रीदिंग ब्रीद इन स्टॉप ब्रीद आउट, ये थोड़ा सा मुश्किल है जब छोटे बच्चों के साथ हम काम करते हैं, बट वी कैन ट्राई इन अ रिदमैटिक वे, जितना रिदमैटिक हो पाए उतना रिदमैटिक अगर हम बच्चों के साथ करेंगे उसका उतना ही ज्यादा बेनिफिट होगा, बिकॉज दे कैन सेंस, तब उसमें उनको पता चलेगा ब्रीद इन तो एयर कहाँ पर मूव कर रही है लंग्स में गई, एंड इन अ वेरी स्लो मोशन जब हम लोग इसको परफॉर्म करेंगे तो उतना ज्यादा उसका बेनिफिट होगा। एंड बच्चे इसके लिए मैं एक आपको अलग से शॉर्ट्स के थ्रू वीडियो दूंगी, हाउ वी कैन हेल्प किड्स इन लर्निंग ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, जो मैंने अभी रिसेंटली किया है कृष्णव के साथ एंड ही लव्स डूइंग इट और अब वो करने भी लगा है। तो नंबर टू एक्सरसाइज इज ब्रीदिंग एक्सरसाइज, नंबर थर्ड इज ब्रीदिंग में हम लोग बहुत सारी वेरिएशन कर सकते हैं, बट बच्चों के लिए अगर मैं दो तीन चार साल के बच्चों के साथ बात करूँ थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि एक नोस्ट्रल से हवा लें दूसरे से छोड़ें, तो इनिशियली ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस वी ऑल नो देर आर लॉट्स ऑफ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस वी कैन परफॉर्म एनी, जो भी बच्चा कर सकता है वो कर सकते हैं। द नंबर थर्ड एक्सरसाइज इज स्पीकिंग और सिंगिंग, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था जो हमारी वेगस नर्व है दैट इज ऑल्सो इन टच विद वोकल कोड, हमारे वोकल कोड से को भी टच करती है, तो हम लोग सिंगिंग करते हैं स्पीकिंग, जितना ज्यादा बोलेंगे जितना ज्यादा बच्चे को सिंगिंग में, क्योंकि अगर बच्चे का बोलने में इंटरेस्ट नहीं है वो गुनगुनाएंगे या पोएम्स को रिसाइट करेंगे या गाने में उनका इंटरेस्ट है, जितना ज्यादा वो बोलेंगे
साउंड प्रोड्यूस करेंगे, वोकल कॉर्ड एक्टिव होंगे और वेगस नर्व एक्टिवेट होगी. द नंबर फोर्थ एक्सरसाइज, अगर मैं बात करूं, वेगस नर्व इज टचिंग हियर, हमारे जो ईयर लोब है इसको टच करती है. मैंने एक वीडियो में आपके साथ फोर प्रेशर पॉइंट्स भी शेयर किए थे जो इंस्टेंटली आपकी कंसंट्रेशन को इम्प्रूव करते हैं, अटेंशन को इम्प्रूव करते हैं और स्ट्रेस और एंजाइटी को दूर करते हैं. तो वो कौन सा पॉइंट्स होते हैं? ईयर लोब्स. अगर मैं बात करूं ईयर लोब, तो ये डायरेक्टली ब्रेन से रिलेटेड, ब्रेन से भी रिलेटेड रहता है और वेगस नर्व को एक्टिवेट करता है. ठीक है, तो आपने इसमें एक्सरसाइज क्या करनी है, ईयर्स को पुल करना है ऊपर नीचे ऊपर नीचे, मतलब 5-5 times आपने किया, आपने ईयर्स को इस तरह से किया, ट्विचिंग किया. ठीक है, द नेक्स्ट इज कि आपने ये टू फिंगर्स ली यहां पर, इस तरह से मसाज किया. ठीक है, तो इससे आपकी इंस्टेंटली वेगस नर्व एक्टिवेट होगी, बच्चे की वेगस नर्व. आप अपने लिए भी कीजिए, आपके आपको बड़ा अच्छा फील होगा अगर आप ये करते हैं तो, वेगस नर्व और ओवरऑल आपका इंटेरोसेप्शन भी इंप्रूव होता है इसे. सो ईयर लोब्स वाला एक्सरसाइजेस हमें करना चाहिए. ब्रेन जिम में भी मैंने आपके साथ शेयर किया था कि दोनों ईयर्स को क्रॉस में पकड़ना है, आप डाउन सिटअप्स करवाने हैं, तो दिस इज अ वेरी गुड वेगस नर्व एक्टिवेशन एक्सरसाइज. तो दिस इज नंबर फोर्थ. ओके, नंबर फिफ्थ इज टैपिंग एक्सरसाइजेस. टैपिंग एक्सरसाइजेस क्या होती हैं? देखिए, दिस इज आवर कोलर बोन, दिस इज आवर कोलर बोन. तो वेगस नर्व कहां पर? एक यहां पर, ये जो एरिया है, दिस इज वेगस नर्व. तो इस पे आप हल्का सा मसाज दे सकते हैं, यहां से इस तरह से कोलर बोन तक, ईयर से लेकर यहां पर. ठीक है, एंड डू दिस टैपिंग. यहाँ पर माइक है तो आई एम नॉट डूइंग इट राइट अवे. तो यहाँ पर इस तरह से टैपिंग दीजिए कॉलर बोन के ऊपर, कॉलर बोन के ऊपर टैपिंग फॉर 30 seconds to 1 minute. तो दिस विल इंस्टेंटली एक्टिवेट योर वेगस नर्व और वेगल टोन को इम्प्रूव करेगा और स्ट्रेस और एंजाइटी को रिड्यूस करेगा, अटेंशन को इम्प्रूव करेगा. यू कैन टैप इट हेयर ऑल्सो, टैपिंग एक्सरसाइजेस हेयर हेयर. ऑल राइट, तो टैप कीजिए और इस एरिया पे आप मसाज दीजिए ये इंस्टेंटली, क्योंकि ये मैं एक्टिविटीज अभी आपके साथ जो शेयर कर रही हूँ वो कर रही हूँ जो बच्चों के साथ हम कर सकते हैं. अगर बच्चे की अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो भी कर सकते हैं, बच्चों की अंडरस्टैंडिंग है और बहुत बड़े हैं उनके लिए मैं अलग से पॉलीवेगल एक्सरसाइजेस आपके साथ शेयर करूंगी, क्योंकि अगर अदरवाइज वीडियो बहुत लंबा हो जाने वाला है. ठीक है, तो दिस टैपिंग. ठीक है, द नंबर सिक्स एक्सरसाइज इज नमस्ते. नमस्ते like this and then press it, namaste namaste namaste. So this will improve your vagal tone. Namaste, theek hai, namaste. To ispe pressure dilwana hai thoda sa. Then seventh exercise is clapping. Hum log park mein bhi dekhte hain log aise karte hain aur fir clapping karte hain. Aapko aise karne ki zarurat nahi hai, aap simply clapping bhi kara sakte hain. Aap ऊपर ले जाके क्लैपिंग एक्टिविटीज, एनी क्लैपिंग एक्टिविटीज आपने कराया 30 सेकंड के लिए, इट विल इंस्टेंटली रेजुविनेट देयर मूड. उनका मूड भी अच्छा होगा, स्ट्रेस एंजाइटी कम होगी, वेगल टोन इंप्रूव होगी, इंटेरोसेप्शन अच्छा होगा. ठीक है, तो नंबर सेवेंथ इज क्लैपिंग. नंबर एट इज स्ट्रेचिंग एंड योगा. जितना हम अपनी बॉडी को स्ट्रेच करेंगे वेगल टोन इंप्रूव होगा. देयर आर एन नंबर्स ऑफ योगा एक्टिविटीज, मैंने अपने चैनल पे भी बहुत सारी शेयर की हैं. स्ट्रेचिंग एंड योगा एक्टिविटीज आप वो भी कर सकते हैं. एनी, हम लोग ऑलरेडी बहुत सारे जानते हैं, उस योगा वाला वीडियो का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, सो दैट आप वहां से जाकर देख सकें कि किस टाइप की स्ट्रेचिंग और योगा हम लोग बच्चों से करा सकते हैं. द नंबर नाइन्थ इज अगेन वोकल कोड. मैंने आपसे बात किया था वेगस नर्व इज कनेक्टेड टू आर वोकल कोड्स. तो लाफिंग, तो लाफिंग एक्सरसाइज जब हम बच्चों के साथ करते हैं इट इज फन. बच्चों को लगता है वाओ क्या जोकर बन गए हैं और क्या. तो इट इज फन एंड प्लस इट विल इंप्रूव योर वेगल टोन एंड वेगस नर्व. तो ये मैंने अभी 9 एक्सरसाइज आपके साथ शेयर की हैं. देयर आर एन नंबर ऑफ एक्सरसाइजेस, बट ये एक्सरसाइज हम 2 साल के बच्चे के साथ भी और छोटे बच्चों के साथ बहुत ईजिली परफॉर्म कर सकते हैं, एंड उसमें उनका कोऑपरेशन कम और हमारी इन्वॉल्वमेंट ज्यादा चाहिए. तो इस तरह से हम लोग अपनी वेगस टोन को इम्प्रूव कर सकते हैं, वेगस नर्व को इम्प्रूव कर सकते हैं और ओवरऑल इंटेरोसेप्शन पे काम कर सकते हैं. सो
अभी आपने देखा मैंने पोलीवेगल थ्योरी एक्सरसाइजेस शेयर की हैं, दिस इज इन अ वेरी ब्रीफ वे मैं पोलीवेगल थ्योरी पे और पोलीवेगल वेगस नर्व कैसे काम करती है ऑन गट, क्योंकि अगर मैं बात करूं ऑटिज्म में मेजर प्रॉब्लम क्या रहती है, गट की, कॉन्स्टिपेशन की एंड इम्यूनिटी इश्यूज। तो वेगस नर्व पे जब हम काम करते हैं कैसे हमारा गट माइक्रोबायम अच्छा हो सकता है और कैसे हमारी इम्यूनिटी अच्छी हो सकती है, इस पे मैं इन फ्यूचर डिटेल वीडियो जरूर आपके साथ शेयर करूंगी, ताकि जिन पेरेंट्स का बिकॉज बहुत ही डिमोटिवेटिंग कमेंट था कि इन बच्चों का कभी भी कॉन्स्टिपेशन और गट रिलेटेड इश्यूज ठीक नहीं हो सकता, तो दिस इज द लिंक, मैं दिस इज द थिंग कि हम इस पे काम करेंगे ना तो उनके गट में भी आपको, अगर मैं बात करूं 70-80% इश्यूज में सॉल्व आउट दिखेगा। तो इंटेरोसेप्शन में भी और बहुत सारी चीजों में वेगस नर्व बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। मैंने आपको बताया जब हम ये एक्टिविटीज करते हैं तो बच्चे का स्ट्रेस और एंग्जाइटी, क्योंकि स्ट्रेस और एंग्जाइटी की वजह से ही सेंसरी इश्यूज आते हैं बच्चे को, ठीक है। हम लोग हमेशा बात करते हैं सेंसरी इश्यूज, सेंसरी ओवरलोड, सेंसरी ओवरवेल्म, तो वो किस वजह से आता है, स्ट्रेस और एंग्जाइटी। जब हम वेगस नर्व पे काम करेंगे पॉलीवेगल थ्योरी के थ्रू, तो वो स्ट्रेस और एंग्जाइटी पे हम लोग काम करेंगे तो वो सेंसरी इश्यूज भी कंट्रोल आना शुरू हो जाएंगे। बच्चे की इमोशनल रेगुलेशन में काम आएगा ये, बच्चे की इम्यूनिटी में, बच्चे की गट हेल्थ में, बच्चे की कंसंट्रेशन एंड अटेंशन को इम्प्रूव करता है, बच्चे की स्पीकिंग कैपेबिलिटी को, और इन्फ्लोमेशन जो उसके गट एरिया में हो जाती है उसको भी रिड्यूस करता है ये काफी हद तक। तो कितने एंड नंबर्स ऑफ थिंग्स को ये सॉल्व आउट करता है। स्ट्रेस और एंग्जाइटी कम होगी तो स्लीप इश्यूज भी डाउन आएंगे, ठीक है। तो आई होप दिस इज गोइंग टू बी अ रियली यूजफुल थिंग फॉर यू, और इससे आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है इन ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ योर चाइल्ड। और साथ ही साथ इन सब चीजों से हम इंटेरोसेप्टिव सिस्टम पे भी काम कर रहे हैं। सो इफ यू लाइक दिस इंफॉर्मेशन एंड फाइंड इट यूजफुल, आपको लग रहा है कि बहुत काम की चीज है, तो सिर्फ अपने तक मत रखना। मैं बार बार आपको कहती हूँ, बहुत सारे पेरेंट्स क्या कहते हैं, खुद ले लेते हैं इन्फॉर्मेशन, खुद ही करते हैं, लेकिन सोचते हैं मैं उसको नहीं बताती क्या है, मतलब मैं कहां से। तो ऐसा मत कीजिए, शेयर इट विद द अदर्स कि ताकि उनको भी इसकी नॉलेज हो और वो भी इससे बेनिफिट ले पाए, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। सो कीप लाइकिंग, कीप शेयरिंग, कीप कमेंटिंग एंड कीप सब्सक्राइबिंग। थैंक यू सो मच।